नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली शाही पनीर की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। चलिए शुरू करते हैं शाही पनीर की सब्जी बनाना। इसके लिए हमें चाहिए 5 मीडियम साइज के प्याज, 5 से 6 टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। अब इसको हम रफली चॉप कर लेंगे, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, जिससे हमारा टाइम सेव हो सके। हम इसको मोटा मोटा ही कट करेंगे। अब हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को रफली चॉप करेंगे। जब तक हमारी सब्जियां कट होती हैं, तब तक हम साइड में गैस पर अपना तेल या घी, जो आप चाहें वो ले सकते हैं, उसको साइड में गर्म होने के लिए रख दें। हमें टमाटर को भी रफली चॉप करना है, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। हमारी सब्जियां कटकर तैयार हैं, इनको हमने रफली चॉप किया है, जिससे हमारा टाइम बहुत बच गया है। हमने यहाँ पर कढ़ाई में तेल पकने के लिए पहले ही रख दिया था, मैंने तेल लिया है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। हम इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च साथ में इकट्ठे डाल देंगे। अब हम इसको हल्का सा चलाकर भूनेंगे। हमारे प्याज अब भुन चुके हैं, इसको हमें ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। अब हम इसमें मोटे कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, इसको भी एक बार चला देंगे और जिससे यह मिक्स हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से गल ना जाएं। हम इसको बीच बीच में एक दो बार चलाते रहेंगे, जिससे हमारी सब्जी जले ना। हमारा मसाला अब भुन चुका है, इसको हम चलाएंगे और जो मोटे चंक्स हैं उसको मैश कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके इसको हम ढककर पंखे के नीचे रख देंगे, जिससे हमारा मसाला जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हमारा मसाला जो है ठंडा हो चुका है, इसके लिए अब हमें एक मिक्सी का जार चाहिए है, इसमें सारा मसाला डाल लेंगे। आप इसमें मलाई या क्रीम ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें 2 चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ। मलाई को हम इसी स्टेज पर डालेंगे और मसाले को ब्लेंड करेंगे। जब तक हम ब्लेंड करते हैं, एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी 1 चम्मच, अब इसमें हम थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर लाल मिर्च ऐड करने से टेस्ट सब्जी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाकर भूनेंगे, फिर मिक्स किया हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे। जार में थोड़ी सी ग्रेवी बची हुई थी, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर ऐड कर लिया है। अब हम इसको चलाकर भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, जिससे जो है हमारी मलाई फटे ना। अब हम इसमें शाही पनीर मसाला ऐड करेंगे। अब अगर आपके पास शाही पनीर मसाला नहीं है, तो आप इसमें स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड करें, सेम ही टेस्ट आता है। अब मेरे पास ये था तो मैंने ये डाल दिया है। मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसमें पनीर ऐड कर देंगे। मैंने इसमें ट्रायंगल कट के पनीर लिया है, आप जैसा शेप चाहे वैसी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। अब हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से तैयार है, देखने में कितनी लाजवाब और बहुत ही
टेस्टी लग रही है। इस सब्जी को हम पराठा, नान, लच्छा पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। जो भी खाएगा आपकी तारीफ ही करेगा। यह सब्जी बहुत कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको बनाएं और खिलाइए और तारीफ पाइए। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।